welcome to my channel Cooking with Veronia. So, आज मैं बनाऊंगी कड़ी. कड़ी तो normally बहुत सारी states में अलग अलग type की बनती है, तो आज मैं typical महाराष्ट्रियन स्टाइल में कड़ी बनाऊंगी जिसमें पकोड़े नहीं जाते. नॉर्मली पंजाबी कड़ी ये सब बहुत सारे स्टेट्स में जैसे राजस्थान हो गया, इन सब जगहों पे बनती है, वहाँ पे पकोड़े वगैरह डालते हैं. तो ये बेसिक वाली कड़ी रहेगी, बहुत हेल्दी बहुत न्यूट्रिशियस डिश रहेगी ये. तो मैं स्टार्ट करती हूँ इंग्रीडियंट्स के साथ. सबसे पहले ये खट्टी वाली दही लगेगा 300 ग्राम्स, और 2 टेबल स्पून बेसन है, हींग, और ये हरी मिर्च 6 और लहसुन की एक बड़ी कली. इसको अच्छे से मैंने कूट कर रखा हुआ है, थोड़ा सा नमक डाल के, हरा धनिया ये गार्निश के लिए, हल्दी और नमक और जीरा और राई और ऑयल. तो ये सब चीज़ें बहुत सिंपल चीज़ें हैं, इतनी ही चीज़ें लगेगी. अभी तो मैं रेसिपी स्टार्ट करती. फर्स्टली बाउल लेकर या फिर कोई कंटेनर लेकर ये दही को अच्छे से पहले फेंट लेना है अच्छे से. तो ये दही को अच्छे से मैंने पानी डाल के मिक्स कर लिया, फेंट लिया. तो अभी जैसे ही ऐसे पूरा फेंट ले गया, अभी मैं बेसन डालूंगी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके. ऐसे करते आप थोड़ा थोड़ा डालते डालते पानी डाल के इसको अच्छे से फेंट लीजिए, प्रॉपर मिक्सचर बने. ये गांठे ये जो भी है अंदर ये ना बने. देखिए जैसे जैसे मिक्स हो गया उसके अंदर मैं थोड़ी सी हल्दी डालूंगी और थोड़ा सा नमक. नमक फिर भी बाद में डालेंगे, अभी फिर थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं, और मिक्स कर लेना. जैसे मिक्सचर रेडी हो गया, मैंने कढ़ाई रखी है, जैसे कढ़ाई गर्म हो गई मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, और बस 1 या 1.5 टेबल स्पून के हिसाब से ऑयल डालना है. जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा मैं थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ इसमें, फिर जीरा और राई ये दोनों इसके अंदर डालने का. फिर इसको अच्छे से, जैसे ही जीरा ये उड़ने लगेगा, राई और जीरा, आप समझ लो कि थोड़ा थोड़ा बन गया ऑलमोस्ट. जैसे ही जीरा और राई उड़ने लगता है, इसके अंदर मैं ये मिर्ची और लहसुन वाला पेस्ट डालकर अच्छे से भून लूंगी. एकदम हाई फ्लेम पे कीजिए आप, और इसको थोड़ा प्रॉपरली भूनना है, पूरा काला नहीं करना है. ये जो लहसुन और मिर्ची है, अब ज्यादा इसको जला दोगे तो पूरा टेस्ट खराब हो जाएगा. हल्का सा गोल्डन ब्राउन है, मतलब हल्का सा. जैसे ये भून गया, इसके अंदर मैं थोड़ी सी पिंच हल्दी डालूंगी. ऑलरेडी मैंने डाला हुआ था उसमें, इसलिए मैं कम डाल रही हूँ. इसमें मिक्स करके फिर धनिया थोड़ा सा इसके अंदर डालना है, बाद में गार्निश के लिए डाल देंगे. डालकर जो हम लोगों ने मिक्सचर रेडी किया है ये तेल के अंदर डाल देंगे. इसको अच्छे से भून लेना है. देखना कलर भी कितना प्यारा आ रहा है, बहुत सिंपल कड़ी है. और जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, ये दही खट्टी वाली दही से बनाई है, बहुत टेस्टी बनेगी. नॉर्मल दही से बनाओगे तो टेस्टी नहीं बनेगी. तो अभी इसके अंदर थोड़ा सा अभी मैं थोड़ा सा सॉल्ट और डालूंगी, आप अपने टेस्ट के अनुसार डालना, ये फाइनल टच रहेगा सॉल्ट का. फिर इसके बाद में ये जैसे कि काफी गाढ़ा है, और जैसे जैसे हम लोग गर्म करेंगे ये और गाढ़ा बनते जाएगा, तो मैं इसमें पानी ऐड करूंगी. ये थोड़ा पतला पतला ही अच्छा लगता है. ऐसे मिक्स करके
अभी मैं स्लो फ्लेम पर ऑलमोस्ट लाइक 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पे अच्छे से पकाऊंगी, नहीं तो ये जो बेसन का आटा जो है, जो चने का आटा, ये कच्चा कच्चा रहेगा, फिर अच्छा नहीं टेस्ट आएगा। ओके तो अभी ढक के फिर मैं मिलती हूँ आपको एक 10 मिनट में। फाइनली कड़ी बन गया, कितना प्यारा सा कलर आया, कितना सिंपल है। लास्टली इसमें जो हरा धनिया है बाकी बचा हुआ, ये सब डाल के गार्निश करना है। तो अभी मैं इसको टेस्ट करके बताऊंगी कैसे बना है। कड़ी सी कितना प्यारा लग रहा है, इसका कलर भी कितना अच्छा आ रहा है। तो अभी मैं टेस्ट करूंगी, आप जरूर अपने घर पे बनाना, मुझे अच्छे से कमेंट करके बताना ठीक है कैसे बना है। बहुत बहुत अमेजिंग है, खट्टी खट्टी सी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इसको आप चावल, रोटी, कोई भी चीज के साथ खाओ, बहुत टेस्टी रहेगी। आप इसको खिचड़ी के साथ भी खा सकते हो। तो जैसे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइप्स का बनता है, तो मैं अगली बार अलग टाइप की कड़ी भी बना के बताऊंगी, अलग मसाले पड़ेंगे। ये काफी सिंपल स्टाइल में, महाराष्ट्र स्टाइल में ये कड़ी है, इसको पी भी सकते हैं, पीने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। थोड़ा पतला बनाओगे तो आप इसको पी सकते हो, चावल के साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ, बहुत ज्यादा यम्मी बनेगा। आप बनाकर कमेंट्स करना बहुत सारा, और जो भी नया है मेरे चैनल कुकिंग विद बिरोनिया को सब्सक्राइब कीजिए एंड खूब सारा लाइक कीजिए सब लोग, और जो बेल आइकन होता है उसको हिट करना, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस जो भी आते रहेंगे आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा उसका, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। और मिलते हैं अगले प्यारे से टेस्टी से रेसिपी के साथ। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।